दोस्तों अगर आप भी अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पांचवे दिन मुकाबले में अश्विन ने अपनी शानदार हैट्रिक गेंदबाजी से पलटा पूरा मुकाबला। जडेजा शमी ने भी दिया साथ, भारत पहुंचा जीत के नजदीक। आखिर लंच के बाद भारत की गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अश्विन जडेजा में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का आज पांचवे दिन का मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर अपना दबदबा बनाकर रखा। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन दोस्तों उनको क्या ही पता था कि भारत की टीम उनका ये हाल कर देगी कि मुकाबले को बचाने की उनकी नौबत आ जाएगी। हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 480 रन बनाए, तो यहां पर भारतीय टीम उतरी मैदान पर विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 571 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 91 रनों की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब 91 रन तो पूरे करने ही थे और साथ में उनको भारत के खिलाफ और आगे की रणनीति बनाकर रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों उन्हें भी क्या पता था कि भारत के गेंदबाज आज मैदान पर जब उतरेंगे तो एक अलग ही तरह की गेंदबाजी का प्रदर्शन हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि मैदान पर जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रेविस हेड और मैथ्यू कोहिनमन उतरे, तो यहां पर नाइट वॉचमैन मैथ्यू कोहिनमन को आउट करना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है निचले क्रम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को काफी ज्यादा तकलीफ देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैथ्यू कोहिनमन को चलता किया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने उनको एक ऐसी लेंथ की गेंद डाली कि उस गेंद पर वो भी चकमा खा गए और यहां पर वो LBW आउट करार दिए गए। हालांकि दोस्तों अगर वो रिव्यू ले लेते तो शायद मैथ्यू कोहिनमन का विकेट गिरता नहीं, क्योंकि गेंद जो थी वो विकेट को मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों यहां पर इसी बात का फायदा रविचंद्रन अश्विन ने उठाया और भारतीय गेंदबाजों ने एक विकेट लेकर यहां अपने विकेट लेने के सिलसिले को जारी किया। और दोस्तों अब क्या था, अब भारतीय गेंदबाज कहां रुकने वाले थे? इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन मैदान पर आ गए, जहां मार्नस लाबुशेन आते संगी दो चौके लगाकर अपने इरादे तो जाहिर कर देते हैं कि वो मैदान पर आज कैसा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया के गेंदबाजों को परेशान करने के लिए आए हैं। हालांकि दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड एक तरफ अच्छी साझेदारी अपने साथी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर निभा रहे थे और दोनों बल्लेबाज स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। और इस बीच टीम इंडिया की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, यहां पर विकेट लेना तो वैसे भी मुश्किल था ही। और यहां पर मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा मिलकर पूरी कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट करने की। लेकिन दोस्तों इसी बीच फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने लगभग मार्नस लाबुशेन का विकेट चटकाई दिया था। वो तो रोहित शर्मा की एक गलती की वजह से रिव्यू लिया नहीं गया और इसीलिए मार्नस लाबुशेन बचते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। यहां पर ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक को पूरा करते हुए नजर आए, तो वहीं उनका साथ निभा रहे मार्नस लाबुशेन ने भी अच्छी साझेदारी मिलकर कर ली थी। यहां पर 50 रन की साझेदारी के बाद दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलने लगे, जहां इस बीच ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के ना आउट होने की वजह से अभी उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, पीटर हैंडस्कॉम्ब जैसे बड़े खिलाड़ी का आना भी बाकी है, जो कि मुकाबले का रुख कभी भी पलट सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक निगाह अब भारतीय गेंदबाजों पर तो है ही, और अगर साथ में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को फॉलो ऑन करने का मौका देती है और एक लक्ष्य दे देती है, तो यहां पर भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी काफी अपेक्षा होंगी कि वो इस मैदान पर जरूर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाए। और अगर ये मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है तो भारत के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में जाने की जगह तो होगी ही, और साथ में टीम इंडिया ये सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। बाकी अभी रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, शमी, अक्षर पटेल, उमेश यादव की गेंदबाजी देखकर आप सभी की क्या राय है और आप इनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।